الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا بمرشدنا بمولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سارے حضرات اخلاص سے عقیدت سے محبت سے اس نیت سے کہ کل قیامت کے خطرناک دن میں خطرناک میں نے اس لیے کہا کہ سردیوں میں 12-13 گھنٹے کا دن اور گرمی کے موسم میں 16-17 گھنٹے کا دن اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ایک دن
ये किसी का कौल नहीं, तारीखी बात नहीं, कुरान करीम में है खमसीना अल्फसना, वो 50,000 साल भी ऐसे। हदीस शरीफ में आता है कि कोई आंख पानी का कतरा नहीं देख सकेगी, कोई आंख साया और छाव ना देख सकेगी। उस दिन ना औलाद काम आएगी, ना वजारत काम आएगी, ना सदारत काम आएगी, बल्कि मेरी तेरी बख्शिश के लिए, मगफिरत के लिए काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात काम आएगी। फतेहपुर के मुसलमानों, जितना तुम्हें सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है, उतनी बा आवाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सलाम उस ज़ात अक़दस पर जो वाली थी यतीमों की, सलाम उस रूहे अनवर पर जो वाली थी गरीबों की, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के जिसने सलाम उस पर जिसने खून के प्यासों को दुआएं दी हैं, सलाम उस पर जिसने गालियां खाकर दुआएं दी हैं, सलाम उस पर साथ जंग करते थे, सलाम उस पर वतन के लोग तंग करते थे, सलाम उस पर बूढ़ों को जिसने फरमाया ये मेरे हैं, सलाम उस पर फजल के मोती बखेरे हैं, सलाम उस पर जिसके पास न चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर टूटा बोरिया बिछोना जनाब सदर मोहतरम हजरात उलमा इकराम मोहतरम बुजुर्गों अजीज दोस्तों।
बस्ती इस कस्बा फतेहपुर में बहरहाल मेरा पहली दफा हाजिरी का इत्तेफाक है। सुभान अल्लाह। जानते पहचानते तो सभी लोग होंगे, ही अलग बात है, मुझे जानने वाले कम है, मेरी आवाज को पहचानने वाले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत कारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अली ने मुल्क भर में सफर करके अल्लाह की तौहीद को, मोहम्मद मादनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुवत को मुल्क के घर घर में कोने कोने में पहुंचा दिया। मैं तो आप लोगों को बड़ा नेक समझता हूँ, दुआ करो अल्लाह पाक हमारा यहाँ बैठना अपने दरबार में कबूल फरमाए। ये जो तुम सर्दी के मौसम में आए हो, रजाइयों से निकल कर घर बार छोड़ कर, और बहुत मुमकिन है जो हम सब ने मिलकर दुरूद पाक पढ़ा है, कयामत के दिन हमारी बख्शिश के लिए यही दुरूद काफी हो जाए। कयामत के दिन जब आदमी का नामा अमाल तुलेगा, जब उसके अमाल नामे में ऐसा वक्त गुजरेगा दुरूद पाक पढ़ते हुए जो गुजरेगा, हदीस पाक में आता है कि वो अपने हाथों की हथेली को रगड़ेगा और पछताएगा कि सारा वक्त मेरा यूं ही क्यों नहीं कटा। आज कदर नहीं। अगर किसी आदमी को कहा जाए कि दुरूद पाक पढ़ो, चंद आदमी पढ़ते हैं, बाकी सब खामोश रहते हैं। ये जो आज तुम्हें सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, ये आसमान के नूरी फरिश्तों को भी हुई, उनको भी मोहब्बत थी, अर्श अजीम पे रहने वाले फरिश्तों को, सिदरतुल मुंतहा में रहने वाले फरिश्तों को, बैतुल मामूर में रहने वाले फरिश्तों को यही मोहब्बत थी। जब अल्लाह पाक ने अपने महबूब को जहां सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को, हुजूर की अजमत को बुलंद करना मकसूद था मेराज के सिलसिले में, वहां उलामा इकराम ने दो वजह ये भी लिखी कि नूरी फरिश्तों ने इस्तियाक किया था, इजहार किया था, इलाही हमें भी उस यतीम मक्का का दीदार करा जिसका दीदार बिलाल करे। हम भी तेरे नूरी फरिश्ते हैं, हमें बड़ा इश्तियाक है। तो अल्लाह पाक ने मेराज का प्रोग्राम बनाया, जिब्रील आया, मिकाईल आया, तवज्जो करना, जन्नत से बुराक सवारी लाया, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सवार होने लगे, बुराक उछल कर दो कदम आगे हो गया, जिब्रील अमीन ने अर्ज किया है बुराक ये काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कयामत में अगर परवरदिगार आलम ने पूछ लिया तो क्या जवाब देगा। बुर्राक कहने लगा, जी मेरा एक मुतालबा है, मामूली सी गुजारिश है। कि वो क्या? अर्ज करने लगा कि आज तो अल्लाह पाक ने मेरा नंबर लगा दिया, जन्नत से बुलाया, काली कमली वाले की सवारी बन रहा हूं, मेराज वाली रात में, मुलाकात वाली रात में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाने लगा कि आप मुझसे वादा करो कि जब हशर वाले दिन में आप पुल सरात पे गुजरेंगे, जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे, मुझसे वादा करो मुझ पे सवार होके जाना। फरमाया बेशक वादा हो गया। अब बुर्राक सर झुकाए खड़ा है,
बजाय मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होते हुजूर दो कदम पीछे को हट गए। सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया काली कमली वाले सवार हो जाओ। मुस्लिम शरीफ की रवायत में आता है, बल्कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अली ने लिखा है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी भी परवरदिगार आलम से गुजारिश है मैं तब सवार होऊंगा। फरमाया मेरे महबूब सवार हो जाओ। फरमाया मेरे परवरदिगार मैं जब सवार होऊंगा जब मेरा भी वैदा मंजूर होगा। फरमाया जब तक मेरी उम्मत के लिए पुल सरात का सफर 500 मील की लंबाई है, 500 मील की हमवार की है, 500 मील की उतराई है, 1500 साल का सफर है, ऐ मेरे परवरदिगार उस वक्त तक मैं सवार नहीं होता जब तक पुल सरात पे उस पुल के नीचे जहन्नुम है आगे जन्नत है। मेरी उम्मत के लिए सवारी का इंतजाम को उम्मत के लिए। आज छोटा हो बड़ा हो अमीर हो गरीब हो मौलवी हो हाजी हो पीर हो फकीर हो हुजूर की सुन्नत को काट रहे हैं। दुरूद पढ़ने की तौफीक नहीं। अब बयान सुनेंगे घरों में जाएंगे वही इधर की बात मस्जिद की मस्जिद में छोड़ाएंगे। ओ मियां अल्लाह का कुरान ठीक है मस्जिद ठीक है, बाहर जाओ कोई कुरान नहीं कोई शरीयत नहीं कोई नबी का कानून नहीं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ओ लोगों जो मेरी जात पे कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है 10 मरतबा अल्लाह पाक की रहमतें बरसती हैं 10 गुना माफ होते हैं 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ओ लोगों जो कसरत से मेरी जात पे दुरूद पाक पढ़ता है कब्र में कीड़े उसकी मैयत को हर आएंगे। इरशाद फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ओ लोगों जो मेरी जात पे दुरूद पाक पाक पढ़ने का आदी होगा मैदान हशर में कयामत के मैदान में मैदान कयामत में वो मुझे नहीं मैं काली कमली वाला उसे तलाश करके हौज़े कौसर पे लाऊंगा और अपने हाथों से हौज़े कौसर का पानी पिलाऊंगा। फरमाया काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो मेरी जात पे दुरूद पाक पढ़ता होगा रब्बे जुल जलाल की कसम है कब्र के अंदर उसके कफन को मट्टी मैलानी करेगी। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला सल्लम ने ओ लोगों मेरी उम्मती की निशानी ये है अलामत ये है मेरी उम्मती की जुबान ओ मेरा दुरूद ओ कयामत आ जाए जुबान खामोश ना हो। आज कितना हमें दुरूद शरीफ पढ़ने को मिल रहा है हालांकि ये वो अमल है ये वो आमाल है। अल्लाह पाक ने ऐलान कर दिया हज करो मैं हज नहीं करता जकात दो मैं जकात नहीं देता तुम रोजा रख दो मैं खुदा रोजा नहीं रखता तुम तस्बीह तहलील करते हो मैं खुदा तस्बीह नहीं करता तुम सदका करते हो मैं
सदका नहीं करता। एक इबादत के बारे में फरमाया, ओ लोगो मैं खुदा भी अपने महबूब की जात पे दुरूद पढ़ता हूँ, मेरे फरिश्ते पढ़ते हैं, मलाइका पढ़ते हैं, बैतुल मामूर पे अरबों खरबों फरिश्ता दुरूद पढ़ता है, अर्श अजीम उठाने वाले दुरूद पाक पढ़ते हैं, उम्मत के गरीब मजदूर रेड़ी चलाने वाला आदमी दुकानदारी पे बैठने वाला मजदूर दुरूद शरीफ पढ़ने को तैयार नहीं। कई लोग आ जाते हैं, रेड़ी वाला मजदूर दुकानदार, मौलवी साहब बड़ा औखा है, कारोबार में बरकत नहीं, औलाद ना फरमान है, चार पाई पे बैठ के दुकानदारी का हिसाब करते हो, लेन देन का हिसाब आता है, लेकिन तुम्हें कब्र का हिसाब का पता नहीं, कब्र में क्या बनेगी। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों जब कब्रिस्तान के पास से गुजरा करो, अल्लाह की पनाह मांगा करो, इन हजारों मन लाखों मन दिलों के नीचे आए बगैर गुजारा नहीं। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी कब्रिस्तान में गुजरते वक्त सूरह यासीन की तिलावत करता हुआ गुजरे और मुर्दों को बख्श दे, अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया 40,000 मुर्दों की बख्शिश कर दी जाती है। कौन बड़े, हमने सब कुछ छोड़ दिया, ये जितने भी औलिया कराम हैं, मौलाना अहमद अली लाहौरी हो, मौलाना काशम ननौतवी हो, रशीद अहमद गंगोई हो, अलामा अनवर शाह कश्मीरी हो, अशरफ अली थानवी हो, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हो, बाबा फरीद हो, सारे के सारे औलिया कराम दुरूद पाक पढ़कर इतनी अजमतों वाले बन गए। नबी की मोहब्बत के अलावा आदमी अजमत वाला बनता ही नहीं। क्यों? मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अली के वाक्यात में लिखा है कि हजरत रोजाना का 10,000 दुरूद पाक रोजमर्रा पढ़ा करते थे। पीर अब्दुल हादी दीनपुरी रहमतुल्लाह अली 40 बरस तक 12,000 दुरूद पाक रोजमर्रा पढ़ा। सुभान अल्लाह। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अले 5,000 दुरूद पाक रोजमर्रा पढ़ा करते थे। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अली की किसी ने तारीफ की, उनकी वालिदा सुन रही थी, फरमाया ठीक है तुम मेरे फरीद की तारीफ करते हो, पर मुझसे क्यों नहीं पूछते, मैंने फरीद को 2.5 बरस दूध पिलाया, एक दिन भी बगैर वुजू किए दूध नहीं पिलाया। औलिया इकराम कुतुब अब्दाल इसी तरह अल्लाह वाले बन गए। और बड़े तो बड़े अल्लाह पाक ने जिसको नवाज दिया, जब वो नवाजने पे आ जाए क्या कमी है। अबू अब्दुल्ला सुलेमान जुसूली रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, दलालुल खैरात में लिखा हुआ है, फरमाते मैं बुजुर्गी में सफर कर रहा था, करते करते असर की नमाज का वक्त आ पहुंचा, एक कुआं मेरे करीब था मगर डोल रस्सी नहीं, मैं बड़ा परेशान था, लो मेरी नमाज जाया होगी, लो मेरी नमाज कजा होगी, एक बच्ची आई और कहने लगी मियाँ जी क्यों परेशान हो, फरमाया बच्ची वुजू के लिए पानी नहीं, मेरी नमाज कजा होने को हो रही है, वो बच्ची कहने लगी अल्लाह वाले ये कुआं तो मौजूद है, फरमाया बेटी कुआं तो है मगर डोल रसी नहीं,
नहीं पानी कैसे निकालूं। अल्लाह वाला कहता है मेरे देखते देखते वो बच्ची आगे बढ़ी और आगे बढ़कर उसने कुएं में थूक दिया, कुएं का पानी खुद ब खुद उबल कर किनारों पे आ गया। फरमाते हैं मैंने वुजू किया, पानी पिया, नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, बड़ा हैरान हुआ ये कम सुन बच्ची, मासूम बच्ची, अभी तो नाबालिग है, बालिग भी नहीं हुई। फरमाते हैं सलाम फेरने के बाद वो बच्चों में खेल रही थी, मैंने उसको बुलाया, ये बच्ची मेरी बात सुन। मैंने सर पे हाथ फेरा, प्यार किया, पूछा ए बेटी तू किसकी बच्ची है, तू क्या अमल करती है। अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने तेरे लुआब में इतनी बरकत रखी है, तो अल्लाह जल्ले शानहू के यहां इतनी मकबूल हो कि पानी कुएं में थूकती है, कुएं का पानी खुद ब खुद गुलामी करता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाला कहता है मैंने पानी पिया, वुजू किया, वो पानी फिर नीचे को चला गया। सुभान अल्लाह। फरमाया मेरे दिमाग में कोई बात ना आई, मैंने इसरार पूछा, बार बार पूछा। जनाबे अब्दुल्ला सुलेमान जसूली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने बार बार पूछा, इसरार पूछा, ऐ बच्ची तुम्हें बताना ही पड़ेगा तू कोई खास अमल करती है। वो रोने लगी और कहने लगी अल्लाह वाले मैं किस अमल जोगी हूं, मैं क्या अमल कर सकती हूँ, मेरी उम्र कहाँ, अभी तो मैं नाबालिग हूँ। अल्लाह वाले ने बार बार पूछा, वो बच्ची रो पड़ी और कहने लगी अल्लाह वाले क्यों परेशान करते हो, एक छोटा सा मेरा अमल है, जब तक रात को मुझे नींद नहीं आती, जब तक 21,000 मरतबा दुरूद शरीफ रोजाना कहना पढ़ लूं। किसी जमाने के मासूमों का ये हाल है, नन्नी मुन्नी बच्चियों का ये हाल है, 21,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े बगैर नींद नहीं आती। और मुसलमानों और उम्मती कहलाने वालों और कलमा पढ़कर जन्नत पे नाज करने वालों, हमें रात दिन में 21 बार भी दुरूद शरीफ नसीब नहीं। आज मैं और तुम भी अपने गिरेबान में देखो, नबी के उम्मती बने फिरते हो, हौज़े कौसर के उम्मीदवार बने फिरते हो, काली कमली वाले के गुलामों अपने तरफ भी देखो और उस बच्ची का हाल भी देखो। आज हमने अपने मासूम बच्चों को बदमाश बना दिया, घर घर में कंजरी का गाना, दुकान पे गाना, बसों में गाना, रेडियो बंद नहीं करते। मौलाना अहमद अली लाहौरी सबका दो रहमतुल्लाह फरमाया करते थे उस कोठी पे, उस बंगले पे, उस मकान में अल्लाह की लानतें बरसती हैं जिस बंगले और कोठी में कंजरी का गाना है, रेडियो की खनकार है, टीवी का नक्शा है, सिगरेट का धुआं है। और फरमाया उस झोंपड़ी में अगर रहने वाला फटे पुराने कपड़े हैं, पांव में जूती नहीं, पेट में खाना नहीं, लाहौरी रहमतुल्लाह फरमाते थे अगरचे वो रहने वाला गरीब है लेकिन कुरान की आवाज बराबर आ रही है। लाहौरी फरमाया करते थे उस झोंपड़ी पे 24 घंटे अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। जिस चीज को नबी मिटाने आया आज उम्मत उसी को जिंदा कर रही है। मोबाइल में गाना बजाना आम है, इधर बेल बज रही है, उधर मस्जिद में नमाज अदा हो रही है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों
मेरी उम्मत पे एक वक्त ऐसा आएगा कुर्बे कयामत होगा, कयामत का नजदीक होगा, हर बिल्डिंग से, हर मकान से, हर दुकान से, हर दफ्तर से, हर कोठी बंगला बिल्डिंग से, बजाय कुरान करीम की तिलावत के, बजाय दुरूद पाक के, बजाय इस्तगफार के, चारों तरफ से कंजरी की आवाज आने लगेगी। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, जनाजा बंगले से निकलेगा, जनाजा कोठी से निकलेगा, जनाजा ऐवान सदर से निकलेगा, जनाजा बड़े डेरे से निकलेगा, जनाजा बड़े हुजूम के साथ निकलेगा। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हालात ऐसे ही होंगे, मरने वाले के पल्ले ईमान की रत्ती मौजूद नहीं। अच्छा खा के गुजारा करके चला गया, कोठी बंगलों में जिंदगी गुजार के गया, बड़ी बड़ी आसाइश, बड़े बड़े आराम की जिंदगी गुजार के गया, इधर मौत आती उधर आवाज आ जाती है, कुल मताउ दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुल लिमन तक़ा। ओ दुनिया बहुत थोड़े दिनों का सौदा, इकराम ने, कुतुबों अब्दालों ने इस दुनिया पे थूका भी नहीं। सहाबा इकराम भी हम रहते थे, खाते थे, पीते थे, कई कई दिन का फाका। जनाबे मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेहतरीन सारे सहाबा इकराम के सरदार सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला नु दोपहर के वक्त मदीना पाक में मस्जिद नबी में धूप में बैठे हैं। फारूक आजम आए, पूछा है अबू बकर अभी तो नमाज का वक्त नहीं हुआ, अभी से कैसे बैठे? फरमाया दो दिन की भूख ने तंग कर दिया। फारूक आजम भी फरमाने लगे अपना भी यही हाल है, तीन दिन की भूख ने तंग कर दिया, मैं भी मस्जिद में आ बैठा। थोड़ी देर के बाद इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इन हजरात से वजह पूछी, हुजूर ने बता दी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फरमाया अबू बकर तेरे नबी का आज पांच दिन का फाका है। तीनों हजरात अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान पे तशरीफ लाए, पता चला अबू अय्यूब अंसारी मकान पे नहीं है। घरवाली कहने लगी घरवाला नहीं है, घरवाली तो है, तशरीफ रखें आप। खाना पकाया, सामने रखा, आपने एक रोटी बिसाल रखते हुए फरमाया पांच दिन का तो मेरा फाका, न जाने मेरी फातिमा का कितने दिनों का फाका है, ये रोटी पहले उसे पहुंचा कराऊं। नबी की बेटियों ने फाके काटे, अजवाज मुतहरात रज़ियल्लाहु अन्हु नजमाइन ने फाके काटे, सहाबा ने काटे। एक और वक्त में हजरत अली की मजदूरी लगी, दिहाड़ी लगी, दो रोटियों का आटा बना, एक अली ने खाई और एक आदि फातिमा ने खाई, आदि बची, दरबारे रिसालत में लेके हाजिर हुई और अर्ज करने लगी मेरे अब्बा आदि ले आई हूँ आदि खाई हूँ, ना मालूम मेरे अब्बा का कितने दिनों का फाका होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए, फरमाया बेटी तेरे अब्बा ने चार दिन के किफाके के बाद ही रोटी का टुकड़ा देखा है। शाबे अभी तालब का जमाना देखो, हुजूर की आल औलाद, हुजूर के सहाबा इकराम,
उस दर्रे में कैद कर दिए गए 2.5 बरस तक कैद। कुरान पढ़ने वालों को कैद किया, नमाजें पढ़ने वालों को कैद किया मक्के के लोगों ने। अबू जहल उस दर्रे का चक्कर लगाया करता था और कहा करता था इनको आटा नहीं देना, इनको पानी मोल नहीं देना। सब कुछ बंद कर दिया मक्के वालों का, सख्त बाइकाट कर दिया। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ऊपर, रो रही हैं। फरमाया मेरी खदीजा तू तो मक्के की बड़ी मालदार माइया रईसा ताजरा बड़ी बहादरा तू क्यों रोई। अर्ज करने लगी मेरे आका मैं बर्दाश्त कर रही हूँ इन नन्नी मुन्नी बच्चियों का हाल देखो, भूख की वजह से आवाज निकलनी बिल्कुल बंद हो गई। दियों वाले बच्चियों वाले बैठे हो, बच्ची भूखी हो और बाप के सर पे क्या बीतती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। नन्नी मुन्नी कलियों को देखकर, फूलों को देखकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। बिलाखर सहाबी कहता जंगल की तरफ तशरीफ ले गए। सहाबी कहता मेरी आंख ने देखा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झाड़ियों के पत्ते तोड़ रहे हैं और तोड़कर वापिस तशरीफ लाए। अपने लगते जिगर को आवाज दी ए फातिमा ए रुकैया ए ज़ैनब ए उम्मे कुलसूम सारी के सारे लगते जिगरो लाइन बनाओ ये पत्ते चबाओ और अल्लाह का कुरान पढ़ती जाओ। नबी की बेटियों ने पत्ते खा कर भी अल्लाह का कुरान पढ़ा। फतेहपुर के मुसलमानों गौर करो अपने गिरेबान में जाकर देखो 3 वक्त का खाना खाकर मक्खन खाकर लस्सी पीकर आज हम अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ते। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बैतुल्ला में जाकर हरमे मोहतरम में जाकर अल्लाह का कुरान पढ़ना शुरू फरमा दिया। मक्के वालों को पता चल गया रईस आ गए, चौधरी आ गए, दौलत वाले आ गए और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारना शुरू किया। जनाब सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मैं घर में पड़ा था, मेरे कानों में आवाज पड़ी, मैंने समझा कबीले आपस में लड़ते होंगे, हर वक्त इनकी लड़ने की आदत है। मैं बैतुल्ला में जा निकला, हरमे मोहतरम में जा निकला, मेरी आंख ने देखा सारा मक्का मारने वाला एक यतीम में मक्का मार खाने वाला। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने जालिमों को इधर किया उधर किया और उनको ऐलान भी किया ना मारो अल्लाह का पैगंबर है, लवारसा समझ कर ना मारो, बेवारसा समझ कर ना मारो। जनाब सिद्दीक अकबर फरमाते हैं जितनी मैंने कोशिश की उतनी उन लोगों ने मुजामत का इजहार कर दिया। एक जालिम को मौका मिल गया, उसने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में कपड़ा डालकर इतना जोर से झटका मारा हुजूर की दोनों आंखें बाहर निकल आई। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मेरे बचाते बचाते मेरे मना करते करते एक और जालिम को मौका मिल गया, उसने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में पटका डालकर इतना जोर से झटका मारा
नबूवत के मुंह में जाग आ गए। उस वक्त काली कमली वाले के साथ खड़े होकर मार खाना मुसीबतों के पहाड़ टूट जा करते थे। अगर तुम होते, तुम्हारे बाप दादा होते, मैं कहता उस वक्त हुजूर के पास ना खड़े होते। क्यों? उस वक्त कलमा पढ़ना, हुजूर का साथ देना, मुसीबतों के पहाड़ टूट जा करते थे। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तीसरे दिन होश आया। अम्मा बड़ी परेशान थी, उम्मे जमील सिद्दीक अकबर की वालिदा, दलिया लिए खड़ी थी, हरीरा लिए खड़ी थी। तवज्जो करना, आगे जमादी उसानी आ रहा है। सैयदना सिद्दीक अकबर की वफात है, इसलिए इस नियत से अर्ज कर दूं कि कल कयामत में हमारा भी ये कहनों को मुंह बाकी रह जाए, परवरदिगार हम भी तेरे सनाखाओं में थे। बड़ी मार बड़ी सिद्दीक अकबर को हुजूर के पास खड़े होकर, इस जमीन के ऊपर आसमान के नीचे सबसे पहला कलमा जनाब सिद्दीक अकबर ने पढ़ा। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो वालिदा है, उम्मे जमील अभी मुसलमान नहीं बनी थी, वो बड़ी मना किया करती थी ये काली कमली वाले का साथ ना दे। जब वो तीसरे दिन होश आया, अबू बकर की आंख खुली, अम्मा खड़ी हरीरा लिए दलिया लिए, कहने लगी बेटा तीन दिन से खाना नहीं खाया, ये दलिया खा ले, हरीरा खा ले, चाट ले। आज सहाबा कराम पे तनकीद करना आसान है, उस वक्त काली कमली वाले का साथ देना बड़ा मुश्किल था। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को होश आते ही पूछा, मेरे नबी का क्या हाल है? अबू बकर की अम्मा कहने लगी उन्हीं की वजह से मार पड़ी है, फिर नाम ले रहा उन्हीं का, बाज नहीं आता, ये हरीरा खा ले, ये दलिया चाट ले, फिर बताती हूँ। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अम्मा उस वक्त तक मेरा खाना पीना बिल्कुल हराम है जब तक काली कमली वाले का दीदार ना कर लूं, जब तक इमाम अंबिया की ज़ियारत ना कर लूं, मेरा खाना बिल खाना पीना बिल्कुल हराम है। उम्मे जमील ने एक तरफ सहारा दिया, दूसरी तरफ एक और सहाबिया ने सहारा दिया, हुजूर के दरबार में ले चले। हुजूर की नजर पड़ी, पूछा है और गले लगाया, पूछा मेरे अबू बकर तेरा क्या हाल है? सुभानअल्लाह। सिद्दीक अकबर फरमाने लगे, आका मेरे गम गलत हो गए, मेरे दुख मुक गए। फरमाया जब से मार पड़ी है आका तेरे दीदार के पीछे मार खा रहा हूं, तेरे इश्क में मार पड़ी है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। जिसके बारे में मेरे आका तेरे मौला मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन मैदान कयामत में अल्लाह की अदालत में अल्लाह पाक पूछेंगे, काली कमली वाले अपनी उम्मत का हिसाब दे, मैं अबू बकर को लाऊंगा, अल्लाह की नजर पड़ेगी। अल्लाह पाक फरमाएंगे, मेरे महबूब तू तो ऐसे आदमी को ले आया है, इस सिद्दीक से हिसाब करते मुझ खुदा को शर्म आ रही है। और आवाज आएगी, सिद्दीक जन्नत के आठों दरवाजे तुझे पुकार रहे हैं। सुभान अल्लाह।
जो इतनी बड़ी बरकत वाली शह है, नजात वाली शह, औलिया कराम ने, सहाबा कराम ने दुरूद पढ़ा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार है, जिब्रील अमीन आया, इन्नल्लाहा व मलाइकातहु युसल्लूना अलन नबी, आयतें नाजिल हुई, सहाबा इकराम दौड़ कर आए, काली कमली वाले इतना बड़ा जो हुक्म आया, अल्लाह भी फरिश्ते भी सारे आप पर दुरूद भेजते, आप बताएं कि कौन सा दुरूद भेजे। इसलिए उन्होंने पढ़ना था। आज हम मौलवी से, कारी से, हाफिज से दुरूद नहीं पूछते कौन सा पढ़े, इसलिए कि हमने पढ़ना नहीं और पूछते नहीं। सहाबा तो ऐसे थे, कुरान करीम पढ़ते पढ़ते सहाबा आगे निकल गए, फारूक पीछे रह गए। किसी ने पूछा, फारूक तेरा जहन काम नहीं करता, तू कमजोर है, तेरा हाफजा कमजोर है? फरमाया, नहीं। तुझे सबक याद नहीं होता? फरमाया, नहीं। फिर क्यों पीछे रह गए? सैयदना फारूक आजम फरमाने लगे, पहले कुरान की आयत हिफ्ज करता हूं, याद करता हूं, फिर उस पे अमल करता हूं, अगले दिन सबक लेता। सारे सहाबा इकराम दरबार रिसालत में आए और पूछा है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, काली कमली वाले हमें बताओ कौन सा दुरूद पाक पढ़े। मेरी बात पे यकीन करो, बावजू बैठा हूं, जामिया मस्जिद में बैठा हूं, अल्लाह के पाक पैगंबर ने हदीस की किताबों में, बुखारी शरीफ में, मुस्लिम में, इब्ने माजा में, निसाई में, तिर्मिजी शरीफ में, जितनी भी अहादीस की किताबें हैं, मेरे तेरे नबी ने जो सहाबा को दुरूद शरीफ इरशाद फरमाया, वो दुरूद इब्राहिमी इरशाद फरमाया। और कोई भी जितना दुरूद हो, अकीदत हो तो हो, लेकिन जो हुजूर की जुबान से दुरूद इरशाद हुआ, जो उसमें बरकत है, वो किसी और दुरूद में बरकत नहीं। आखिरी बात तवज्जो करना, एक सहाबी हुजूर की खिदमत में आया, सलाम किया, हुजूर ने सलाम का जवाब ना दिया, चेहरा अनवर फेर लिया, रुख अनवर फेर लिया, वो सहाबी कहने लगा, मुझे जमीन खा जाती, मैं मर जाता, आका ने मेरे सलाम का जवाब ना दिया, मेरी जिंदगी तलख होगी। सहाबा इकराम से पूछने लगा, मुझसे गलती क्या हुई, किस बात पे हुजूर नाराज हुए हैं? सहाबा इकराम ने कहा, तेरे लाल रंग के लिबास से हुजूर नाराज है। घर में गया, चूल्हे में आग जल रही थी, जला के खाक कर दिए। हुजूर की खिदमत में आया, सलाम किया, हुजूर ने सलाम का जवाब दिया, फरमाया, दीवाने लाल रंग का लिबास का? अर्ज किया, आका मैंने तो जला के खाक कर दिया। फरमाया, बेटियों के काम के थे, बहनों के काम के थे, औरतों के काम के थे। कहने लगा, आका जिस चीज से आपने नफरत का इजहार किया हो, उस चीज को देखने के लिए मेरे पास आंखें मौजूद नहीं। कैसे थे ये दीवाने परवाने जा निसार। जनाबे मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वुजू फरमाते, सहाबा इकराम वुजू का पानी उठाकर अपने चेहरे पे मल लिया करते थे, हुजूर का थूक कभी जमीन पे गिरने ना दिया, हुजूर का कदम जिस जमीन पे लग गया, सारी जिंदगी उसका एहतराम किया करते थे। एक एक सहाबी के पास अगर नाखून मिल गया, हुजूर का बाल मिल गया, 500 साल तक उस नाखून की हिफाजत की। मदीने की औरतों ने हुजूर के पसीने की इतनी कदर की, 500 साल तक हुजूर के पसीने को इत्र की शीशी में बंद करके रखा। आज तुमसे कुरान नहीं संभाला जाता, नबी का फरमान नहीं संभाला जाता,
हजरत अरकम सहाबी सब कह दो रज़िल्लाहु ताला कि कोठरी में आका दोपहर का आराम फरमाते सो जाया करते पसीना आता और कम सहाबी की घरवाली उस पसीने को इतर की शीशी में बंद करके रखती और मदीने की औरतों को कहती मुझे मुबारकबाद दो। जनाब अरकम सहाबी की घरवाली कहने लगी मदीने की औरतों किसी की बेटी जहेज में सोना लेके जाएगी, किसी की चांदी लेके जाएगी, किसी की कोठी बंगले लेके जाएगी और मदीने की औरतों मुझे मुबारकबाद दो। मेरी बेटी जहेज में इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना लेके गई है। अरकम सहाबी की घरवाली कहने लगी कल कयामत मैदान कयामत होगा, अल्लाह की अदालत लगेगी, अल्लाह पाक पूछेगा दुनिया से क्या लाए, कोई दुनिया की कमाई लाएगा, कोई इतनी नमाजें लाएगा, कोई रोजा लाएगा, कोई तस्बीह तहलील लाएगा, आएगी बारी अरकम सहाबी की घरवाली की, अल्लाह पूछेगा अरकम सहाबी की घरवाली तू दुनिया से क्या लाई, मैं अर्ज करूंगी मौला तेरे महबूब का पसीना लेके हाजिर हुई होंगी। तुमने हजारों बादशाहों को देखा, हजारों इमामों को देखा, तुम अच्छे अच्छे इमामों के मुक्तदी होंगे, सहाबा हुजूर के मुक्तदी हैं। एक सहाबी काफर बादशाह के दरबार में गया, उसने सलाम किया, बादशाह ने सलाम का जवाब दिया और कहने लगा मैंने दुनिया में बड़े इत्र इस्तेमाल किए हैं, सहाबी जो तेरे हाथ से खुशबू आती ये इत्र मुझे कहीं नहीं मिलता। सहाबी कहने लगा तुझे मिल ही नहीं सकता। उसने कहा क्यों? कहने लगा मैं मदीना पाक में बीमार था और बीमार पुरसी के लिए मोहम्मद मादनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मेरा हाथ पकड़ के फरमाया परेशान ना हो अल्लाह पाक तेरी बीमारी को दूर कर देगा। फरमाया उस दिन से लेकर आज तक मेरे हाथ से नबूवत की खुशबू नहीं जाती। इसलिए अल्लाह पाक हम सबको दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, ईमान पे जिंदा रखे, ईमान पे मौत नसीब फरमाए। वा आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।